नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में मैथ और जीनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने जो मैथ में नया चैप्टर लिया है बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा। दोस्तों, नाव एवं धारा का आज हम लोग पार्ट वन पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल हम लोग दोस्तों एक नंबर से लेकर के 39 नंबर तक के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी सीरीज से साथ हमारी इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो या सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा, जितने भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ फाइल सहित वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों, आपको यदि किसी प्रकार का मैथ और रीजनिंग रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे अपना डाउट भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा बोट एंड स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे सामने दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा चैप्टर पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, जिससे कि अगर वो बातें आप समझ लेंगे तो पूरा ही चैप्टर आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहली बात बताता हूँ कि यहाँ बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले आपको जरूरी बातें जो जाननी है वहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा शांत जल में नाव की चाल हो या फिर तैराक की हो, दोस्तों यहाँ पे किसी का भी बोल सकता है, तो इन सभी की चाल हम क्या मानेंगे दोस्तों, यू मानेंगे। यानी कि जब शांत जल का मतलब यानी कि जब पानी का बहाव कुछ भी ना हो, उस स्थिति में यानी कि जल का बहाव बिल्कुल शांत हो, उस स्थिति में यदि कोई नाव चल रही हो या कोई तैराक उसको तैरता हो तो उसकी हम चाल क्या मानेंगे, यू मानेंगे। और फिर यहाँ पे मानेंगे शांत जल में, हाँ यहाँ पे मानेंगे दोस्तों अगला हमारा शांत जल में धारा का वेग। अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई मतलब धारा का वेग अगर यहाँ पे मान लें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों धारा का वेग या फिर दोस्तों गति या फिर चाल, ऐसे कुछ भी कह सकता है, तो उसको हम मानेंगे वी मानेंगे। और दूसरी बातों में यदि दोस्तों कहा जाए, अब दो बातें तो हो गई, शांत जल में नाव की चाल हमने यू मान लिया और धारा का वेग हमने वी मान लिया। अब अगर यहाँ पे कह दिया जाए धारा की दिशा में नाव का वेग, यहाँ पे अगला पॉइंट हम लिखते हैं धारा की दिशा में नाव का वेग। तो इसका मतलब दोस्तों आप जान लीजिए क्या होता है, धारा की दिशा में नाव का वेग यानी कि जिस दिशा में हमारी धारा बह रही होगी और उसी दिशा में हमारी नाव चल रही होगी, यानी कि जिस दिशा में पानी का बहाव होगा उसी दिशा में हमारी नाव भी चल रही होगी, तो इन दोनों का क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, धारा का वेग और नाव का वेग आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे यू प्लस वी हो जाएगा। अगर इसी में कह दिया जाए धारा की विपरीत दिशा, अब धारा की विपरीत दिशा यहाँ पे कह दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये u माइनस वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, u माइनस वी। ये जब विपरीत हो जाएंगे यानी कि धारा की दिशा कोई दूसरी स्थिति में बह रही होगी, कोई दूसरी दिशा में, और नाव हमारी उसी के अपोजिट चल रही होगी, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो हमने दोनों को घटा करके लिख दिया। बस दोस्तों, आपको इतनी ही बातें जाननी है और इतनी ही बातों से ही सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर से एक बार दोस्तों ध्यान दे दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, शांत जल में नाव की चाल क्या लिखी मैंने, यू, और धारा का वेग मैंने बताया वी, और धारा की दिशा में नाव का वेग ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब दिशा एक ही दिशा में होंगे तो यानी कि इनका यू और वी आपस में जुड़ जाएंगे, और जब विपरीत दिशा होगा तो यू और वी आपस में घट जाएंगे। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया, कहा गया कि शांत जल में एक आदमी की चाल, अब दोस्तों शांत जल है वहां पे आदमी की चाल बता दी गई, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो बताया गया है ये हमारा u की वैल्यू बताई गई है। अब दोस्तों शांत जल में आदमी की जो चाल है यानी कि u का मान है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने ये लिख दिया। फिर कहा गया वह धारा की विपरीत दिशा में और धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है, धारा का वेग कितना होगा, तो धारा का वेग यानी कि हमको v निकालना है दोस्तों, यानी कि v हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमको सब कुछ पता है, बताया गया कि धारा के विपरीत अगर हम चाल निकालें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों, धारा के
विपरीत। तो दोस्तों धारा के विपरीत अगर हम चाल लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, जानते हैं क्या होता है दोस्तों, धारा के विपरीत में U और V आपस में घट जाते हैं। अब जब U और V घट जाएंगे, यहाँ से हमको दोस्तों U का मान पता है कितना है, 28/3 हमने रख दिया और माइनस का आगे V लिख दिया। ये तो हो गया हमको धारा की विपरीत दिशा में चाल हमको पता चल गई, 28/3 माइनस का V हो गया। अब दूसरी स्थिति में दोस्तों यहाँ पे देखें तो कहा है धारा के समान दिशा में लिए गए समय, तो अब यहाँ पे लिखें अगर हम धारा की दिशा में चाल लिखें, धारा की दिशा यहाँ पे हमने पहले विपरीत लिख दिया था, अब यहाँ पे धारा की दिशा में चाल अगर लिखें तो U और V आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा दोस्तों तो U का मान हम जानते हैं 28/3 है, V का मान दोस्तों हमारा V ही रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यदि वह धारा की विपरीत दिशा, तो दोस्तों धारा की विपरीत दिशा हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, 28/3 माइनस का V, ये तो हो गया धारा की विपरीत दिशा, हमने बराबर लगा दिया। फिर कहा यदि धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय, अब धारा के समान दिशा, तो धारा के समान दिशा में यानी कितना है, 28/3 प्लस का V, ये तो हो गया धारा के समान दिशा में लिए गए समय से क्या कर रहा है, तिगुना समय लेता है। अब तीन गुना समय लेता है दोस्तों कौन लेता है, यहाँ पे मान लेते हैं तो ये जो हमारा हो जाएगा धारा का वेग, हमको V निकालना था, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें तीन का गुणा हो जाएगा। अब ये क्यों इसमें तीन का गुणा होगा, आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा दोस्तों वह धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा ये हो गया, धारा की समान दिशा में लिए गए समय, मान लीजिए धारा के समान दिशा में जो भी समय लिया होगा इसका तीन गुना ये लेगा विपरीत दिशा वाला, तो हमने यहाँ पे तीन का गुणा करा दिया। अब अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए दोस्तों, तो जब तीन का गुणा 28/3 में करेंगे तो यहाँ पे तो केवल 28 आ जाएगा, तीन से तीन हमारा कट जाएगा और माइनस का दोस्तों हमारा 3V हो जाएगा, बराबर हमने लगा दिया और यहाँ पे हमारा जो ये 28/3 है वो लिख दिया जाएगा, प्लस का V लिख दिया जाएगा। अब अगर इसको हम दोस्तों इधर सॉल्व कर दें, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अंकों को एक साइड में कर लेंगे और V वालों को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 28 दिया तो 28/ हमने एक मान लिया और जो ये 28/3 है दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इस 28/3 को इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा माइनस का 28/3 हो जाएगा, बराबर दोस्तों हमारा ये V दिया गया है और माइनस का 3V हमारा जो है ये प्लस का 3V हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 28 त्रिको कितना हो जाएगा, 3×8=24 की दोस्तों हो जाएगी 4, हाँ से लगेगा दोस्तों हमारा 2 और 3×2=6, 2×8 यानी कि 84 हो गया। माइनस का दोस्तों यहाँ पे देखें तो 28 ही रहेगा और यहाँ पे 3 हमारा एलसीएम हुआ था, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 4V हो जाएगा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तो कुल मिला के 84 से जब 28 घटाएंगे, 14 से 8 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8 से अगर हम कितना घटा दें दोस्तों, यहाँ से 8 से नहीं एक तो उधार हो गया था, 7 से 2 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5×56 और यहाँ पे हो जाएगा 4×3=12 V हो जाएगा। हमको V का मान निकालना था दोस्तों, इसलिए 56/ हो जाएगा 12, 4 से अगर इसको हम कट करें तो 4×9=4, 4×4=16 हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों 4×3=12 हो जाएगा। अब अगर 3 का भाग इसमें दें तो हमारे V बराबर हो जाएगा 3×4=12 हो जाएगा, फिर दोस्तों हमारा 20 हो गया यहाँ पे, और या फिर दोस्तों 14/3 हमारा इतना है, हमको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं, बस हमारा इतना ही आंसर दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं दोस्तों, यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो दोस्तों हमारे यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक के बाद अगर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, धारा की चाल, हमको धारा की चाल निकालना है, बोले तो दोस्तों हमको V का मान निकालना है, तो यहाँ पे बताया गया एक नाविक धारा के विपरीत, अब दोस्तों धारा के विपरीत होता है तो हम क्या जानते हैं, यू माइनस वी लिखा जाता है, धारा के विपरीत यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है, वो हर बार 6 घंटे का समय लेता है, यानी कि 6/6 कर देंगे, यानी कि चाल निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ये दूरी हमने रख दी है 24 किलोमीटर का, अब समय रख दिया 6 घंटे का, तो ये हमारी यहाँ पे चाल निकल आएगी। तो अब अगर इसको हल करें तो 6×4=24 यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो कुल मिला के ये समीकरण बन गया हमारा 1 बन गया। फिर कहा गया 36 किलोमीटर दूरी तय करता है और हर बार 6
घंटे का समय लेता है। अब धारा के, ये तो विपरीत हो गया, अब धारा की दिशा में, अब दोस्तों इस बार हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में बोले तो यू प्लस वी हो जाएगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा बटे कितना 6, 6 से 36 को कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम क्या क्या करेंगे, हमको यहाँ पे धारा की चाल निकालनी है दोस्तों, धारा की चाल यानी कि बोले तो हमको वी का मान निकालना है, तो वी का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यू को हम क्या करेंगे कट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं माइनस लगा देते हैं, इसमें भी माइनस लग जाएगा और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो अब यहाँ से यू कैंसिल हो जाएगा और माइनस वी जुड़ जाएगा तो माइनस का 2V हो जाएगा, 6 से 4 घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस ये माइनस और 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो V बराबर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, तो यही हमारा आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 2 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 के बाद, अगर दोस्तों 3 नंबर देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल दोस्तों हमको निकालनी है, तो धारा की चाल बोले तो हमको दोस्तों V निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों हमको V निकालना है। अब यहाँ पे कहा गया कि एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, किधर दोस्तों नाव को धारा की दिशा में, दोस्तों धारा की दिशा बोले तो हमारा U प्लस वी हो जाएगा और डिस्टेंस हमको बता दी गई 16 किलोमीटर, समय बताया गया है 2 घंटे का, अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये तो हो गया कुल मिलाकर के हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कहा गया है और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने पे, धारा की विपरीत बोलेंगे दोस्तों यू माइनस वी हो जाएगा, दूरी हमारी वही 16 ही रहेगी और 4 घंटे का समय लगता है दोस्तों, यहाँ पे 4 के इसमें भाग दे देंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 4, ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शनों को आपस में क्या करेंगे, हमको वी का मान निकालना है, तो वी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू को हम कट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस बनाया, यहाँ पे प्लस बना दिया और यहाँ पे माइनस बना दिया, तो यू से यू हमारा क्रॉस हो जाएगा, वी और वी जुड़ जाएंगे तो 2V हो जाएगा, 8 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा, तो वी बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि वी बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 3 का B के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 3 के बाद, अगर 4 नंबर देखा जाए दोस्तों तो 4 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि राम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आता है, उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थान ए पर पहले कौन वापस आएगा, हमको यहां से ये बात बतानी है। तो अब दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम मान लेते हैं गोपी की शांत जल में चाल यहां पे दोस्तों बता दी गई है, यहां पे बताई गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे बता दी गई ये जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं गोपी की शांत जल में चाल, तो हमने यहाँ पे लिखा गोपी की शांत जल में चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई। अब इसी में हम क्या देखें दोस्तों, अगला देखें तो यहाँ पे अब बताया गया धारा की दिशा बताई गई है, नदी का प्रवाह यानी कि धारा का प्रवाह दोस्तों बता दिया गया कितना है, धारा का प्रवाह बताया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना बता दिया गया दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया धारा का प्रवाह हो गया। अब यहाँ पे कहा गया है, अब अगर हम इनका निकाल लें दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों का धारा की दिशा में एक बार निकाल लेते हैं और फिर धारा के विपरीत निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं गोपी की धारा की दिशा में चाल, यहाँ पे हम धारा की दिशा में निकाल लेते हैं गोपी की धारा की दिशा में चाल। अब दोस्तों धारा की दिशा में चाल क्या होता है, यू और वी जुड़ जाता है, तो यानी कि 10 और 4 जुड़ जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, यू और वी, तो यू तो हमारा ये 10 था और वी हमारा ये है 4, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ, तो ये हमारा यू है, ये हमारा वी है, तो ये दोनों आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10 × 4 = 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा इतनी बात हो गई। फिर इसी में लिखें गोपी की धारा के विपरीत दिशा में चाल, किधर क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत दिशा में
चाल, विपरीत दिशा में चाल दोस्तों हो जाएगा यू माइनस वी। अब दोस्तों यू माइनस वी जो हो जाएगा, यू का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, यू का मान हमारा 10 दिया गया हो, वी का मान 4 दिया गया, आपस में जब घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतनी बात हो गई। अब दोस्तों यहाँ से तो हमने इतनी बात तय कर ली, अब क्या देखते हैं, अब अगर हम देखें दोस्तों तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अब निकाल लेते हैं राम का, निकाल लेते हैं राम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है, फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आता है। उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे राम की बात कर लेते हैं, राम की चाल यहाँ बताई गई है दोस्तों कुल मिलाकर के कितनी 12 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम अगर निकालें कुल दूरी निकाल लें, मान लेते हैं यहाँ पे कुल दूरी कैसे निकाली जाएगी, जब कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो कुल दूरी निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि ये 12 किलोमीटर ये दिया गया है, फिर दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है 14 और 6 दोस्तों कहाँ से हो जाएगा, ये जो हमारा 14 आया गोपी की चाल और ये आया है विपरीत दिशा में 6, तो 12 और यहाँ पे 14 और ये 6, इन सभी का हम क्या करते हैं लासा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं लासा, वही होता है दोस्तों कुल दूरी। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम कुल दूरी निकालें तो 12 14 और 6 का अगर लासा निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 84 किलोमीटर आ जाएगा। दोस्तों 12 14 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 84 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें राम द्वारा ए से बी तक जाने में लिया गया समय हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया राम द्वारा ए से बी तक जाने में लिया गया समय, जाने में लिया गया समय दोस्तों। अब ए से बी तक जाने में राम द्वारा लिया गया समय अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितनी है हमको पता हो गई 84 किलोमीटर टोटल दूरी है, और ये जो ए से बी तक जाता तो कितने की स्पीड से जाता है दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो 12 × 7 = 84 ये हमारा क्या निकल रहा है, टाइम निकल रहा है दोस्तों, समय निकल रहा है। तो 12 × 7 = 84 यानी कि 7 घंटे आ गया, कितना आ गया दोस्तों 7 घंटे आ गया। अब इसी प्रकार हम निकालें दोस्तों राम द्वारा बी से ए तक आने में लिया गया समय, अब यहाँ से अगर हम निकालें ए से बी तक था, अब हम निकाल दें इसी में राम द्वारा बी से ए तक आने में, बी से ए तक आने में लिया गया समय, लिया गया समय दोस्तों। अब हम ये निकालें अगर तो फिर हम टाइम निकालेंगे तो कुल मिला के डिस्टेंस तो हमको पता ही है दोस्तों कितना है 84 है, और जब वापस आएंगे उतनी ही दूरी यानी 84 किलोमीटर ही वापस आएंगे, और हमको जो स्पीड दी गई है दोस्तों वही 12 किलोमीटर दी गई यानी कि फिर 12 की स्पीड से ही आएंगे। तो 12 × 7 = 84 फिर अगेन हमारा 7 घंटे लग जाएगा, यानी कि जाने में भी 7 घंटा लगा और आने में भी 7 घंटा लगा। तो राम द्वारा टोटल समय कितना हो गया, अब अगर यहाँ पे निकालें राम का टोटल समय, टोटल टाइम, राम द्वारा टोटल टाइम कितना हो गया 7 घंटे + 7 घंटे बराबर कितना हो गया दोस्तों 14 घंटे का टाइम हो गया। राम द्वारा टोटल समय कितना लग गया दोस्तों 14 घंटा। अब दोस्तों इस प्रकार हम अगर निकालें गोपी द्वारा, राम द्वारा तो हमने टोटल निकाल लिया, अब हम निकालते हैं गोपी द्वारा, गोपी द्वारा धारा की दिशा में, या गोपी द्वारा धारा की दिशा में लिया गया समय, गोपी द्वारा धारा की दिशा में लिया गया समय, लिया गया समय दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पे 84 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और ये धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है दोस्तों 14 है, तो 14 × 84 यानी कि यहाँ पे 6 घंटे उसको लग जाएगा। अब फिर ये तो हो गई राम गोपी के लिए, और फिर यहीं से अगर हम देखें तो फिर लिखते हैं गोपी का, गोपी द्वारा विपरीत दिशा में, दोस्तों मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, विपरीत दिशा में लिया गया समय, विपरीत विपरीत टाइम हम निकाल रहे हैं गोपी का। तो ये टाइम बराबर हो जाएगा यहाँ पे 84 किलोमीटर तो टोटल तो हमको पता ही है, और यहाँ पे 6 हमारा ये विपरीत वाला टाइम वो दिया गया है चाल। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा, अगर 6 से इसको कट करेंगे तो ये कुल मिला के आ जाएगा 6 × 6 = 2 बचा, और यहाँ पे 6 × 6 = 24 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, यानी कि 12 किलोमीटर घंटा नहीं 12 घंटे आ गया, ये हमारा राम का गोपी का आ गया 12 घंटे। तो टोटल अगर गोपी का निकालें दोस्तों, टोटल गोपी का हो जाएगा, गोपी का अगर हम टोटल निकालें तो गोपी का टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 अब प्लस का ये कितना हमारा 6, तो
तो 12 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल मिलाकर के 18 घंटे हो गया। उसको कितना लग रहा था दोस्तों, 14 घंटे लग रहा था राम को, और यहाँ पे गोपी को लग रहा 18 घंटे, राम को लग रहा था दोस्तों 14 घंटे। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है स्थान ए पर पहले कौन वापस आएगा, तो स्थान ए पर कौन पहले वापस आएगा, अतः स्थान ए पर पहले राम पहुँचेगा दोस्तों, क्योंकि राम को कम समय लग रहा, कम समय में ही वो सारी दूरियाँ तय कर लेता उतनी ही दूरी, गोपी को 18 घंटा लग रहा है इसलिए कम समय में, यानी कि कौन तय करेगा, राम तय करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो 5वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत उसकी चाल निकालनी है। यहाँ पे बताया गया धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ हमको बता दिया, धारा के दिशा में कहा गया है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, U प्लस V बराबर चाल कितनी बता दी गई दोस्तों, 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। फिर बताया गया कि धारा की चाल, यानी कि बाद में हमको V का मान बता दिया गया, V का मान कितना बताया गया, 2.5 बता दिया गया। अगर यहाँ पे लिखना चाहें दोस्तों आप किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा भी आप ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमको बताना धारा के विपरीत उसकी चाल, यानी कि हमको धारा के विपरीत उसको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, v का मान हमको पता है, u का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने u और v का मान रख दिया दोस्तों यहाँ पे 2.5 हमारा ये 15 से इधर आके घट जाएगा कि, तो माइनस का 2.5 हो जाएगा दोस्तों। 15 से पहले 2 घटा दीजिए 13 बचा, 13 से 0.5 और घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा हमारा, 12.5 बच जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया u का मान निकल करके आ गया 12.5, और हमारा v का मान पता है 2.5, हमको निकालना है उसके विपरीत उसकी चाल निकालना है। तो विपरीत दोस्तों हम जानते हैं u माइनस v होता है, तो u का मान दोस्तों हमको पता है यहाँ से 12.5 है, और v का मान दोस्तों हमारा पता है 2.5 है, इनको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो उनका दोस्तों जो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, इनके विपरीत चाल आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 5 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6ठा नंबर, और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः T1 और T2 घंटे लगते हैं, और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। अब हमको शांत जल में चाल निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बताया गया धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः T1 और T2 समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो मान लेते हैं कोई एक निश्चित दूरी रही होगी और धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ दोस्तों हमको यहाँ पे ये बता दी गई है, और धारा की गति, यानी कि हम जानते हैं धारा की गति, यानी कि v का मान इसने क्या बता दिया गया है, y बता दिया, v का मान क्या बता दिया है, y बता दिया है, और तय करने में क्रमशः T1 T2 टाइम बता दिया गया, ठीक है। यहाँ पे धारा की गति बताई है ना, तो धारा की गति हमारी v होती है, तो v का मान यहाँ पे y रखेंगे। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत बोले दोस्तों तो u माइनस v, और v की जगह हम क्या रख देंगे, y, तो हमने u माइनस y रख दिया। ये धारा के विपरीत और धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में T1 और T2 घंटे लगते हैं। तो मान लीजिएगा किसी निश्चित दूरी, यानी कि मान लेते हैं दूरी d रही होगी, और उसको तय करने में इसको T1 टाइम लग गया, तो ये तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन एक बन जाएगा। अगर हम इक्वेशन एक ना बना करके इसको क्या d का मान बना लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको d का मान बनाया, तो ये आ जाएगा हमारा T1 u और माइनस का T1 y हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया एक हो गया। अब दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे फिर बताया गया है धारा की दिशा में, तो हमारा धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, u प्लस v, तो v का मान दोस्तों y दिया गया, तो हम v की जगह पे y रख लेंगे, और यहाँ पे निश्चित दूरी हमको d ही पता है, और अगला टाइम हमको यहाँ पे t2 दिया गया, हमने t2 रख दिया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे d बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा t2 u और यहाँ पे प्लस का t2 y आ जाएगा, ये इक्वेशन हो गया दूसरा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को इक्वल कर लेंगे, यानी कि डी के बराबर में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम समीकरण एक और दो को इक्वल करते हैं, तो बन जाएगा T1 U माइनस का T1 Y, और बराबर इधर हो जाएगा हमारा, देखें तो यहाँ पे T2 U, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, T2 U
अब प्लस का टी टू वाई बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यू यू को एक तरफ, वाई वाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी वन यू, और यहाँ पे माइनस का टी टू यू बराबर यहाँ पे दोस्तों दिया गया है टी टू वाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये पहले हम रख लेते हैं टी वन वाई, यानी किसको रख लेते हैं दोस्तों, वन वाले को रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी वन वाई, इधर प्लस में हो जाएगा, अब प्लस के इधर दोस्तों हमारा दिया गया है टी टू वाई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमने u कॉमन कर लिया, तो u जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा टी वन माइनस का टी टू बचेगा, और इधर हमने दोस्तों y कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा टी वन प्लस का टी टू बचा। अब हमको निकालना क्या था, कहा गया एक शांत जल में चाल ज्ञात करनी है, तो शांत जल में चाल बोले तो दोस्तों हमारा क्या होता है, वाई होता है, तो शांत जल में चाल, हाँ तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको शांत जल में चाल निकालने के लिए कहा तो हमको यू का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा दोस्तों, यहाँ पे यू का मान निकालना है। तो दोस्तों अब यू का मान निकालने के लिए आपको सब कुछ पता हो ही गया है, तो यू बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा वाई, और यहाँ पे टी वन माइनस का नहीं, यहाँ पे प्लस दिया टी वन टी टू बटे यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, एक बार मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, नहीं तो हमको यहाँ पे मैं इसको लिख कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिएगा u बराबर जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये y, और यहाँ पे t1 प्लस का t2 बटे हो जाएगा पूरा यहाँ पे t1 माइनस का t2 हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प में देखें तो ऐसा हमारा कहाँ पे मैच कर रहा दोस्तों, ये वाई वाई मैच कर गया टी वन प्लस का टी टू, टी वन प्लस का टी टू, ये टी वन प्लस का टी टू वाई बटे टी वन माइनस टी टू, यानी कि देखें तो छः का डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छः के बाद अगर हम सात नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे सात नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं, नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कुल मिलाकर के हमको यहाँ पे ये बात बतानी है। तो सब कुछ दोस्तों यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि एक नाव को धारा की दिशा में, दोस्तों धारा की दिशा में बता दिया गया, तो इसका मतलब हम क्या रखेंगे, यू प्लस वी रखेंगे। धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, निश्चित दूरी मान लेते हैं डी रही होगी, और उसको तय करने में 12 घंटे का समय लग गया। अब ये तो हो गया हमारा दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। फिर आगे कहा गया है कि और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं, वापस लौटने में बोले दोस्तों तुम्हारा यू माइनस वी हो जाएगा, यानी कि विपरीत चलेगा, डिस्टेंस हमारी उतनी है लेकिन समय कितना बदल जाएगा, समय इस बार 24 घंटे इसको लगने लगेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन टू हो जाएगा, समीकरण दो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमको समय निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते क्या है दोस्तों, ये करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को, यहाँ से हम यू और वी का मान निकाल लेते हैं, या पहले u का ही मान निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह लीजिएगा हमारे ये v और v कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2u हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब ये जुड़ जाएगा d अपान 12 प्लस का d अपान 24, तो हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा, तो 12 दोनों 24, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2d हो जाएगा, 24 का 24 यहाँ पे केवल d रहेगा, तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 3d बटे हमारा हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा दोस्तों 3d बटे 24, 3 से अगर इसको कट कर दें तो ये आ जाएगा d अपान का यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब अगर दोस्तों हम क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर दोस्तों हम u का मान निकालें, तो u का मान जब निकालेंगे तो ये दो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर d बराबर 8 दूना 16, तो u का मान जो हो जाएगा दोस्तों यानी कि d बटे 16 बन जाएगा, d बटे क्या बन गया दोस्तों 16। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसको हमें यहाँ पे निकालना है, नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, शांत जल में नाव द्वारा शांत जल, तो शांत जल दोस्तों किसका होता है, यू का होता है, शांत जल दोस्तों क्या होगा, ये हमारा u का होगा, तो इसलिए दोस्तों u बराबर हो जाएगा हमारा समान दूरी, समान दूरी हमारी d ही थी, d हमने यहाँ भी माना तो यहाँ भी d मान लेते हैं, क्योंकि समान दूरी कह रहा, समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा मान लेते हैं t समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ से ये जो u है, u का मान हम निकाल चुके हैं कितना है, d बटे 16 है, तो इस u की जगह पे हमने रख दिया d बटे 16 रख दिया, और ये d बाई टी तो हमारा दिया ही, ये d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर आ जाएगा हमारा 16
घंटा, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सात का जो देखें तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सात के बाद अगर आठ नंबर देखा जाए क्वेश्चन पे, तो आठ नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो धारा की चाल ज्ञात करना दोस्तों। चाल धारा की बोले तो यानी कि वी का मान निकालना है हमको, यानी कि V क्या करना है हमको बताना है। और ये जो दिया गया शांत जल में चाल, यानी कि ये दिया गया है U का मान दिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है दोस्तों यहाँ पे, 30 किलोमीटर जाता है, और वो भी इसकी जो 30 किलोमीटर दूरी, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे चाल देखें तो ये बन जाएगा हमारा शांत जल में चाल 15 प्लस वी बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमको इसका मान क्या मान लिया, वी मान लिया, तो हमने यहाँ पे रख दिया 15 प्लस का वी हो गया, ये हो गया। फिर कहा गया है कि जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, यानी कि इतने ही 4.5 घंटे में, अब यानी कि यहाँ पे जोड़ देंगे और 30 किलोमीटर ही धारक से विपरीत ये वापस आ जाएगी। टोटल समय लग रहा है इनको 4.5 घंटे का समय लग रहा है, तो ये हमने 4.5 घंटे का समय लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो दिया है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 15 माइनस वी प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस का वी। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बटे लगा दिया और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, यानी बोले तो दोस्तों 225। अब स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमको स्क्वायर नहीं लगाना है कि 15 का स्क्वायर तो हमने कर ही दिया है ना, 225 हो गया और माइनस के इधर हो जाएगा वी स्क्वायर, और बराबर हमारा दोस्तों कितना दिया गया है ये 4.5 अपान का, हमने दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हटाया, आगे ये 10 बन गया। अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 30 से अगर इसको कट कर दें तो 9 से कट करें या फिर किससे कट करें दोस्तों, ये हमारा 5 से कट जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा दोस्तों। अभी 3 से और कट जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा, 15 15 30 30 दूना 60, और 60 में जब 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा दोस्तों सीधा सीधा 600 बन जाएगा। बराबर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 का, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 5 15 की 5, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, 3 2 6 1 हो जाएगा 7, और फिर 3 2 6 यानी कि 675 हो गया, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3V स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के ये माइनस का 3V स्क्वायर जो है, अब इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, हल करके द्विघात समीकरण बन गया, इनको हल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा माइनस का 3V स्क्वायर, जब इधर आएगा तो ये प्लस में बन जाएगा और ये इधर हो जाएगा दोस्तों हमारा। बराबर करेंगे, इधर जो दिया गया है ये 675, तो हमारा वैसे ही रहेगा, 600 इधर आके घट जाएगा, तो 3V स्क्वायर बराबर 675 से जब 600 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे केवल 75 बचेगा, 3 से हम 75 को कट कर देंगे तो V स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 2 6, और यहाँ पे 3 5 15, तो V बराबर फाइनली दोस्तों आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने धारा की चाल क्या निकाल लिया दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आठ के बाद अगर नवा नंबर देखा जाए तो नवा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हैं तो 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति ज्ञात कीजिए, यानी कि स्थिर पानी में हमको क्या करना है, खेने वाले की गति निकालना है, यानी कि यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, हमको यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बताया गया है, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं। तो किधर दोस्तों, नदी के ऊपर की ओर, तो नदी के ऊपर की ओर बोले तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो बन जाएगा यू प्लस वी, यानी कि नदी के समान दिशा हो जाएगा, यू प्लस वी बराबर हो जाएगा ये 60/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब ये 60/8 हमारा 8 हो गया तो इसको अगर हम कट कर दें तो क्या 4 से कटेगा, 4 2 8, 4 1 4 4 5 20 हो जाएगा। फाइनली हमारा आ जाएगा 15/2, इसको हमने अगर और भी कट किया तो ये आ जाएगा 7.5 बन जाएगा। जब दोस्तों ये 7.5 बन गया तो कुल मिलाकर के हमारा जो इक्वेशन बना तो यू प्लस वी बराबर बन गया 7.5।
समीकरण हमारा ये बन गया, एक बन गया। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे u माइनस वी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे u माइनस का v करेंगे अगला, और यहाँ पे कह रहा 60 ही किलोमीटर की दूरी को वो 5 घंटे में तय करता है, तो हम यहाँ पे हम 60/5 क्या कर देंगे, 5, और 5 का जो भाग इसमें देंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, बचा हमारा 1, तो 5 × 2 = 10, यानी कि ये बन जाएगा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2, यानी कि हमको यू का मान निकालना था दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को हल करके अगर हम यू का मान निकालें तो वी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2u बराबर हो जाएगा 12 × 7 = 19, 19 पॉइंट हमारा 5 हो जाएगा। अब 19.5 को अगर हम u का मान निकालने के लिए जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19.5/2 हो जाएगा 2। दोस्तों अगर इसको कट कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, 18 एक होता है 19, और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट तो लगा था, नीचे एक जीरो बना देंगे, और फिर ये 2 नहीं 18 और एक, फिर यहाँ पे हो गया 15 2 7 14 2 5 10 हो गया, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे और नीचे 10 हमारा बचा है, तो एक अंक बाद दशमलव और खिसक आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारे यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां नंबर, और 10वां नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है कि अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं, उसकी स्थिर जल में तैरने की गति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको u का मान निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, u का मान निकालना है, तो ये जो हमको यानी स्थिर जल में तैरने की गति, यानी कि हमको u का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया अर्जुन को धारा की दिशा में, अब दोस्तों यहाँ पे जो धारा की दिशा बता दी गई, तो यानी कि क्या हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा, तो हमने u प्लस वी रख दिया, और 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लेता है, 5 घंटे का समय लेता है, तो 5 × 8 = 40, यहाँ पे 8 आ जाएगा, समीकरण बन जाएगा 1। फिर कहा गया जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में, तो यू माइनस वी हो जाएगा। अब 24 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको केवल 2 घंटे लगते हैं, यानी कि देखें तो उसको, यानी कि कुल मिला करके 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे 24/2 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। यहाँ से हमको निकालना है यू का मान, तो हम क्या करें, वी वी को काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2u बराबर आ जाएगा हमारा 12 × 8 = 20, तो u बराबर हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 के बाद अगर 11 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कितना राइट हुआ दोस्तों हमारा, 10 का बी के साथ हमारे क्या हुआ, राइट हो गया। अगला यहाँ पे 11 नंबर में हमारा दिया गया, कहा गया है कि एक नाव की शांत जल में गति, नाव की शांत जल में गति दोस्तों बता दी गई, यानी कि यू का मान ये बता दिया गया, ये क्या है दोस्तों हमारा, यू का मान बता दिया गया है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति, यानी कि हमको दोस्तों वी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको सब कुछ पता है, यू का मान पता है, वी का मान पता है, और यहाँ पे बताया गया है नाव धारा के विपरीत दिशा में शांत जल में गति बताई गई, ठीक है, यू का मान, वी का मान, और नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी, विपरीत दिशा बोले तो दोस्तों यू माइनस वी बराबर हो जाएगा हमारा 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो हमने 4 का भाग कर दिया। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, तो हमको यहाँ से ये बात पता है, यू का मान हमको पता है कितना है, 20, माइनस वी का मान तो हमको निकालना है, यहाँ पे 20/4 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 5। अब दोस्तों ये जो हमारा हो जाएगा 20, 5 इधर माइनस में आ जाएगा, वी इधर आएगा तो प्लस का हमारा वी हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे वी का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 के बाद अगर 12 नंबर देखा जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, धारा की चाल बोलेंगे दोस्तों हमको क्या निकालना है, यानी कि वी का मान निकालना है। शांत जल में कहा कि यदि किसी नाव की शांत जल में चाल, यानी कि ये जो बता दिया गया ये यू का मान बता दिया गया, यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है,
यानी कि 12 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि U हमको पता है और V हमको निकालना है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर घंटा, यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा, दोस्तों का क्या बता दिया गया, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा के लिए होता हमारा U माइनस वी, और टोटल डिस्टेंस कितने 38 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर दिया, तो हमने 38/4 कर दिया, तो ये चाल निकल आएगी। डिस्टेंस अपान का हमने क्या रख दिया, टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों हमको यू का मान पता है 12 माइनस वी जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको कट करें तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारा 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 2 × 1 = 2 = 18 हो जाएगा। अब ये आ गया दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा कितना आ गया, यहाँ पे दोस्तों 2 का भाग अगर हम कर दें भी, यहाँ पे 19/2 में हमने भाग कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 × 18 = 1, तो 2 × 5 = 10, यानी कि 9.5 आ गया, तो हमने 9.5 रख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 12 से हमारा 9.5 आके घट जाएगा, तो ये हमारा V इधर बराबर में आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 V का मान दोस्तों, यानी कि धारा की जो हमारी गति आ गई दोस्तों 2.5 आ गई, यानी कि देखें तो 12 का V के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर 12 के बाद अगर हम 13 नंबर देखें, तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। यदि यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है, नाव और नदी के गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या क्या पता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया नदी के गति के बीच का अंतर ये 15 किलोमीटर घंटा है, शांत जल में एक नाव अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने और वहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है। यदि यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है, तो नदी के बीच का अंतर ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना नाव की चाल अगर हम मान लें, तो यहाँ पे हमने माना दोस्तों, यहाँ पे क्या मान लिया, माना नाव की अगर हमने क्या मान लिया, चाल मान लिया, हमने चाल क्या मान लिया दोस्तों, यहाँ पे 15 + x हो जाएगा, ये कितना है 15 + x। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो धारा की चाल मान लेते हैं अगली बार, अब यहाँ पे धारा की चाल, अब जो धारा की चाल हमने मान लिया x यहाँ पे, फिर शांत जल में नाव से आने व जाने में लगा समय अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, शांत जल में नाव द्वारा आने व जाने में लगा समय दोस्तों, ये यानी कि शांत जल में नाव द्वारा आने व जाने में लगा समय दोस्तों टोटल कितना है, कह रहा कुल 15 घंटे का समय लगता है, तो यानी कि हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 15 घंटा हमने लिख दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे पहली कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन में कहा गया शांत जल में एक नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने और वहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है। तो जब 15 घंटे का समय लेती है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई निश्चित दूरी होगी, तो मान लेते हैं डी दूरी होगी, और एक बार ये हो जाएगा हमारा x + 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, और यानी कि इतने डी किलोमीटर जाती होगी और इतने की स्पीड से जाती है, अब वापस जब आएगा यानी कि वो डी किलोमीटर ही दूरी फिर तय करनी होगी, स्पीड उसकी x + 15 ही होगी, स्पीड होगी, और टोटल उसको कितना घंटा लग जाता है दोस्तों, 15 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर इसको देखें तो डी अपान का x + 15 और प्लस का डी अपान x + 15 दो बार दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2d / x + 15, हमने ये लिख दिया, अब बराबर आगे लगा दिया 15। अब ये इसको हमने इक्वेशन कह लिया एक, क्या कह लिया दोस्तों, इक्वेशन एक। अब कहते हैं जल में प्रवाह होने पर आने व जाने में लगा समय, अब अगला स्टेप हमने क्या किया, शांत जल में नाव द्वारा आने जाने में लगा समय, अब जल में जब नाव प्रवाह हो जाती है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे जल में प्रवाह होने पर आने व जाने में लगा समय, आने व जाने में लगा समय। अब दोस्तों आने व जाने में लगा समय, जल प्रवाह होने पर आने व जाने में लगा समय अगर हम देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, हमने डी मान रखी है, डी अपान हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + x, और ये हमारा यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाएगी, तो हमने ये प्लस का x और जोड़ दिया।
फिर दोस्तों अगर आगे देखें तो ये हो जाएगा हमारा, फिर ये उतनी ही डिस्टेंस रहेगी, और अब इस बार ये क्या हो जाएगा, ये एक बार जाने में तो प्लस हो जाएगा और आने में यानी विपरीत हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। यानी कि देखें तो 15 प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, ये बात यहाँ पे हो जाएगी। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बराबर कितना घंटा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया 16 घंटे की आवश्यकता होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 16 घंटे इस बार बता दिया गया। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों, तो कुल मिलाकर के देखें तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जो भी ये हमारी नई इक्वेशन बनेगी, यानी कि देखा जाए तो दोस्तों ये जो हमारा ये नया बन गया। अब हम करते क्या हैं, ये डी का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। इसको समीकरण ने क्या कह लिया दोस्तों, 2 कह लिया, और d का मान अगर यहाँ से बनाए दोस्तों, तो d का मान हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 15 ब्रैकेट में x प्लस 15 और फिर यहाँ पे बटे 2, ये हमारा क्या बन जाएगा, d का मान बन जाएगा। तो d का मान समीकरण जब 1 में रखते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 15x, अब 15 हम हो जाएगा 225 बटे हो जाएगा दोस्तों 2, तो 2 का इसमें जब गुणा करेंगे जो x x 2x हो जाएगा, तो 2 दूना 4x बन जाएगा, और यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब फिर प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो अब ये हम d की वैल्यू फिर इस जगह पे पूरा पूरा पुट कर देंगे, यहाँ पे जब 15x हो जाएगा और 15 हम 225 हो जाएगा, बटे पूरा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये इतनी सी बात हो गई। अब यहाँ पे जो है बटे में भी हमारा क्या लगा है, हमने जो डी का मान रखा है बटे में हमारा 15 दिया गया, तो हमने इसके बटे 15 रख दिया, आगे 16 दिया हमने 16 लिख लिया। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, अब इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब अब अगर तो दोस्तों जब इनको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखे दे रहा हूँ, ये इक्वेशन जो हमारी बनेगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 5x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। ये दो जोड़े हमने बना लिया, और यहाँ पे x बराबर x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 5। अब दोस्तों ये जो प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो x माइनस 5 है, तो यहाँ पे x बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में केवल 10 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी, हमको धारा की चाल बतानी है। यानी कि धारा की चाल बोले दोस्तों क्या निकालनी है आपको, वी निकालना है हमको, क्या निकालना दोस्तों, वी। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे खिवैया जो बताया गया, यानी कि वही मान लीजिएगा नाव, यानी कि यू वाला व्यक्ति है, कहा गया कि एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा u माइनस, क्या हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रतिकूल का मतलब होता है यानी कि विपरीत दोस्तों। तो u माइनस वी जो दिया गया है यहाँ पे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस बताई गई है और 16 घंटे का समय बताया गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो इसको अगर हम समीकरण एक मान लेते हैं, या भी थोड़ा सा इसको कट कर दें, कट रहा तो कट कर लेते हैं, 25 से 4 से हमारा 25 बार में कट जाएगा, 4 से हमारा ये 4 बार में कट जाएगा, तो कुल मिला के ये जो आ गया हमारा 25 बटे 4, ये हमारा इक्वेशन हो गया एक। इक्वेशन दोस्तों कितना एक हो जाएगा, मैं आपको फिर से पूरा लिखे दे रहा हूँ, यू माइनस वी बराबर यहाँ पे बन गया 25 बटे 4, ये हमारा मेन इक्वेशन एक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा इक्वेशन में कहा गया है जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में केवल 10 घंटे लगते हैं, यानी कि उसी दूरी को, यानी कि जो अनुकूल, तो u प्लस वी बराबर हो जाएगा उतनी ही दूरी, यानी कि 100 किलोमीटर दूरी को 10 घंटे में तय कर लेता है। दोस्तों ये जीरो कट कर देंगे, तो उसकी जो चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने समीकरण दूसरा मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों हमने, समीकरण इसको दूसरा कह लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक और हमको v का मान निकालना है, तो समीकरण एक और दो को जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए समीकरण एक और दो हमको v का मान निकालना है, इसलिए दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तब जाके हमारा यहाँ से u कैंसिल होगा और आएगा माइनस का हमारा 2v आ जाएगा। अब माइनस का 2v आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 बटे दोस्तों 4 माइनस का 10 बटे 1।
अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2v तो जैसा का तैसा लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25 माइनस का 4 दहम 40, और यहाँ पे बटे हमारा 4, 25 से 40 यानी 40 से 25 हमारा घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 15, वो भी माइनस का बटे 4, अब बराबर दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2v, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो आ जाएगा v बराबर 15 बटे 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर इसको सही बटे में निकालें तो ये 8 एकन्नम 8 बचा दोस्तों हमारा कितना 7, हो गया 70 पॉइंट लगा करके, 8 8 64 हो जाएगा दोस्तों, और फिर 64 6 हमारा बचा 70, फिर 8 7 56, अब फिर 8 5 40, यानी कि देखा जाए तो वी का मान जो आ गया 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि शांत जल में नाव की गति बता दी गई, तो यानी कि ये जो बताया गया दोस्तों ये यू का मान है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है, इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या है दोस्तों, धारा की गति बोले तो दोस्तों हमको वी का मान फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमको यू पता है दोस्तों 20, अब वी हमको निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बता दी गई दोस्तों, 364 बता दी गई, तो हमने टोटल डिस्टेंस 364 किलोमीटर रख लिया, अब बटे हमने लगा दिया यहाँ पे, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो ये 20 यानी कि यू प्लस वी जुड़ जाएगा, तो यू का 20 मान है वो रख दिया, प्लस का वी, फिर टोटल समय बता दिया गया, तो इसी का मतलब ये भी जुड़ जाएगा, अब 364 और वी, अब ये इसके ये तो था सेम दिशा में, अब विपरीत वाला आएगा तो हो जाएगा 20 माइनस वी हो जाएगा, अब बराबर दोस्तों कितना समय लगने के लिए बताया है, टोटल 40 घंटे का समय लगता है, तो हमने 40 घंटे लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ऊपर से हमने 364 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 माइनस वी और प्लस का 20 प्लस का वी हो जाए, और फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारा कितना 20 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 400 माइनस का वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 40 अपॉन का 1। अब दोस्तों यहां से हम देखें तो हमारा ये वी से वी क्रॉस हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारा 400 400 में 4 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल लग गया दोस्तों हमारा कितना, या फिर दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पे 20 और 20 40 हो गया, तो 40 का हमको मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे हमने ये जो लिखा है 364 हमने वो लिख दिया, अब 20 और 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने 40 करके लिख दिया, अब बटे हमारा जो लिखा है वो ज्यो का त्यों लिख दिया, 400 माइनस का वी स्क्वायर और यहाँ पे 40 बटे 1, दोस्तों ये 40 से ये 40 हम कट कर सकते हैं। अब कट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा दोस्तों 400 माइनस का वी स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 364 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 364, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब उस पक्ष में जाएगा तो यहाँ बन जाएगा हमारा वी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा जो दिया गया इधर वी स्क्वायर और इधर जो आएगा 400 से हमारा 364 घट जाएगा, तो वी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, कुल मिला करके यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 36, तो v बराबर जब निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे d के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 के बाद, अगर हम 16 नंबर देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कहा गया कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत और 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमको धारा की गति यानी कि क्या निकालना है दोस्तों, वी निकालना है, वी हमको ज्ञात करना है, और हमको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कुल मिलाकर के पहला जो दिया गया है एक व्यक्ति हर 5 घंटे में धारा के विपरीत, तो विपरीत बोले तो दोस्तों यू माइनस वी 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो ये हमने रख दिया। फिर कहा गया धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो कितना हो जाएगा, यू प्लस वी हो जाएगा, 16 किलोमीटर तैरता है, तो 16 किलोमीटर जब तैरता है इसका मतलब दोस्तों 16 बटे 16 ही रहेगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 16 किलोमीटर तैरता है, ये 5 घंटे में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे लगाता है, यानी कि तो यहाँ भी बटे 5 कर देंगे, तो ये इक्वेशन 1 हो गया था, ये इक्वेशन 2 हो गया था। हमको निकालना क्या है, वी का मान निकालना है, इसका मतलब दोस्तों क्या करेंगे, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस,
तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2v हो जाएगा। और उसके बाद देखें दोस्तों, तो ये 4/5 माइनस का 16/5, यानी कि हमने यहाँ से क्या किया, 5 एलसीएम ले लिया, और 16 से हमारा 4 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 11 बचा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 1/5, मान के 5 का मल्टीप्लाई इधर 2 में करेंगे दोस्तों, तो 5 × 2 = 10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10v आ जाएगा, माइनस का इधर आ गया 11। अब दोस्तों ये माइनस कैंसिल हो गया, तो वी बराबर निकालेंगे तो 1.1 आ जाएगा, यानी कि 1.1। या फिर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 16 से जब हम दोस्तों 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा, हमने 11 कैसे लिख दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे 12 बचेगा और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा ये 1.2 हमारा मैच हो रहा है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन पे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वी का मान आया, यानी कि ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 16 के बाद अगर 17 नंबर देखा जाए, तो 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगने वाले समय का आधा है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो सबसे पहले जो ये 9 किलोमीटर घंटा ये दिया गया, ये u दिया गया है, और हमको जल की गति बतानी है, यानी कि v का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको सब कुछ पता है। तो यहाँ पे कहा गया कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने पर, धारा की दिशा बोले तो दोस्तों यू प्लस वी, तो यू का मान हमको पता है 9 प्लस का वी ये हो जाएगा बराबर, अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक निश्चित दूरी, तो हमने निश्चित दूरी डी मान लिया, निश्चित दूरी तय करने में करा टी समय लगता है, मान लेते हैं एक निश्चित दूरी तय करने में उसको टी समय लगा, तो इसको इक्वेशन हमने एक मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों, इसको इक्वेशन एक कह लिया। फिर कहा गया है इसके विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में, यानी कि जो डी है इतनी ही दूरी तय करने में, इसको कह रहा विरुद्ध उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है, यानी कि जो इतने में लगे समय होगा वो इसका आधा है। किसका आधा है दोस्तों, यानी कि जो पहले वाले में समय टी लगा है तो यहाँ पे T/2 समय लगेगा, यानी कि इतना समय लग जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी को इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन्हीं दोनों के इक्वेशनों को सॉल्व करके हम दोस्तों क्या करेंगे, वी का मान फाइंड आउट करेंगे। तो अगर दोस्तों समीकरण एक से देखें तो समीकरण एक जो हमारा बन जाएगा यहाँ पे डी बराबर बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों टी ब्रैकेट में 9 प्लस का वी, ये बन जाएगा हमारा डी। और फिर यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो ये डी बराबर हमारा यहाँ भी हो जाएगा, डी बराबर यहाँ पे T/2, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस वी हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों डी की वैल्यू को हम इक्वल में करेंगे, तो टी बराबर यहाँ पे टी ब्रैकेट में हमारा 9 प्लस वी दिया गया है, और इधर हमारा दिया गया T/2, ये भी दिया है 9 माइनस वी। दोस्तों ये टी से ये टी को हम खत्म कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 9 = 18 वी आ जाएगा। यहाँ पे गलती कर दे रहे हैं दोस्तों, ये जो हो जाएगा हमारा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस का 2 प्लस का 2v बराबर इधर आ जाएगा माइनस का 9v। अब दोस्तों क्या करेंगे, 9 जब इधर आएगा तो घटेगा, तो कुल मिला के इधर 9 ही बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा, और फिर इधर हमारा ये 2v इधर आएगा तो ये हो जाएगा कुल मिला के दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों वी माइनस का इधर माइनस का 3v हो जाएगा, माइनस का 3v हो जाएगा, तो 3 का जब भाग देंगे वी में तो माइनस का 3 आ जाएगा दोस्तों। तो माइनस में हमारा जो होती है दूरी नहीं होती है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, वी बराबर ये बन जाएगा 3 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 17 के बाद अगर 18 नंबर देखा जाए तो 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल उसे 7.5 घंटे का समय लगता है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे धारा की गति कह दिया, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, हमको वी का वैल्यू निकालना है। और अब सब कुछ जो जो दिया गया वैसे इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा दिया गया, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि 18 नंबर में कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों, 12 घंटे का समय लगता है।
तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 75 किलोमीटर, और धारा के विपरीत ना, यहाँ पे विपरीत कहा दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पे U माइनस V हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे U माइनस V। अब जब दोस्तों हम U माइनस V करेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे जब U माइनस V करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 75 किलोमीटर की दूरी है, बटे हम कितना कर देंगे 12 घंटे। अब दोस्तों अगर यहाँ से निकाला जाए इसको तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये किसी से कट जाए तो अच्छा रहेगा दोस्तों, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 पचे 15, फाइनली जो हमारा आ गया है यहाँ पे 25/4 आ गया। तो यू माइनस वी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी, 25/4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन एक दे देते हैं, क्या दे देते हैं, या फिर 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, चलिए अभी हम इसको इक्वेशन एक ही देते हैं। फिर कहा गया जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, धारा की दिशा में इस बार कह दिया गया, तो यू प्लस वी हो जाएगी, उतनी ही दूरी तय करने, यानी कि 75 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे लगते हैं, यानी कि 7.5 घंटे लगते हैं। कितना घंटा लगता है दोस्तों, 7.5 घंटे, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0 बनाया, 75 से 75 कट गया, फाइनली यहाँ बच जाएगा 10, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हमको बताना क्या है, धारा की गति यानी कि वी का मान निकालना है। तो अब दोस्तों जब ये v का मान निकालेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हमारा ये v और ये v आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u, और यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25/4 हमने कर दिया 4, और माइनस नहीं यहाँ पे प्लस ही रहेगा, 10/1 यहाँ पे हमने दोस्तों 4 LCM ले लिया। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या किया कि 25 तो हमारा ये रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे 10 चौक 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा कुल मिलाकर कि ये 2u। अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा बनेगा यहाँ पे ये बन जाएगा दोस्तों 2u बराबर आ जाएगा हमारा 25 और 40 हमारा जुड़ जाएगा दोस्तों, 40 20 60 5 65 हो जाएगा, 65/ दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। तो u बराबर निकालेंगे तो 65/ हमारा 4 2 8 बन जाएगा। अब दोस्तों 8 8 64 8 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया दोस्तों, 1 बना हमारा 10 हो गया, तो 8 1 9 8 2 बचा, फिर 8 2 16 हो गया, 4 फिर 8 5 40 हो गया। इतने किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 18 के बाद, अगर 19 नंबर देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमको ये बात बताना है 19 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें, रामू की शांत पानी में 9 किलोमीटर घंटा की गति है, यानी कि रामू की जो शांत पानी में स्पीड है, यानी कि ये जो बता दिया गया दोस्तों, ये यू का मान बता दिया गया, किसका मान, यू का मान बता दिया गया। धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा जाने का 2 गुना समय लगता है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की दिशा में अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारा 1 9+1 से, यानी कि धारा की दिशा हो गया, ये धारा की दिशा हो गया। अब अगर हम इसी को निकालें, धारा के विपरीत निकालें, तो 9 - x हो जाएगा, यहाँ पे धारा के विपरीत हो जाएगा, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे विपरीत। अब क्या करेंगे, इतनी बात हो गई आपको दोस्तों, पता चल गई। यहाँ पे कहा गया है विपरीत दिशा में जाने पर 2 गुना समय लगता है, ठीक है, एक रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर घंटा की गति से नाव चला सकता है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में 2 गुना समय लगता है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा सबसे पहले जो कोई एक डिस्टेंस सही होगा, इस डिस्टेंस को अगर ये 9+x की स्पीड से चल के उसको प्राप्त करेगा तो ये हो गया, और इधर हमारा फिर उतनी ही डिस्टेंस को ये 9 - x से हमारा काम करेगा, यानी कि 9 - x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि दो मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाने, तो विपरीत दिशा में जाने में ये जाने का 2 गुना समय लगता है, इसका 2 गुना समय लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 समय लगा, तो यहाँ पे 2 का समय लग जाएगा, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये आगे जो हमारा हो जाएगा, ये डी से डी को हमने कैंसिल कर दिया, और क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 - 2x फिर बराबर 9+x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो ये जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये 2 और ये इधर आ जाएगा 3x हो जाएगा,
नौ धरा के घट जाएगा दोस्तों, इधर बचेगा हमारा नौ बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 के बाद अगर दोस्तों 20 नंबर देखा जाए तो 20 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों, ये दिया गया है यहाँ पे, कहा गया कि एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का दोगुना है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दोस्तों हमको धारा की चाल यानी कि v का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे हमको v का मान निकालना है। एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चला सकता है, यानी कि जो ये बता दिया गया दोस्तों, तो ये हमारा क्या बता दिया गया है, ये जो बता दिया गया दोस्तों यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये u की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, u की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सब कुछ दिया गया, अब आगे कहा गया है 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। अब दोस्तों मान लेते हैं कोई डिस्टेंस रही होगी, इस डिस्टेंस को धारा के एक बार हम लिख देते हैं विपरीत, तो विपरीत जब दोस्तों लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस वी हो जाएगा, और एक लिखेंगे ये 4 माइनस वी लिख देंगे। अब ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा, ये तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो लगा समय है, धारा की दिशा में जाने में लगे समय लगने वाले समय का दोगुना है। यानी कि उसने क्या कहा, जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने वाले लगने वाले समय का दोगुना है। तो यहाँ पे हमारा 2 का गुना किसके साथ कर दिया जाएगा दोस्तों, तो आपको बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा इसके साथ 2 का गुना हो जाएगा, क्योंकि इससे कंपेयर करके बोला है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी और डी को कैंसिल कर देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक को 8 हो जाएगा, माइनस का 2v हो जाएगा, बराबर 4 प्लस का v हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 4 हमारा इधर आ जाएगा तो इधर 4 बचेगा, ये 2v इधर आ जाएगा तो हमारा 3v हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल करके आएगी, v बराबर 3 एकन्नम 3 और फिर 3 1.3, हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 20 का b के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी 20 के बाद अगर 21 नंबर देखा जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर घंटा है, नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला होता है स्थिर जल में नाव की चाल डायरेक्ट निकालने के लिए होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया स्थिर जल में नाव की चाल, ये हमको निकालना है दोस्तों, जिसका फार्मूला होता है 1/2। यहाँ पे हमने लिख दिया धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, फिर बीच में हमने प्लस लगा दिया, फिर धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, ये इतना हमको करना है। तो दोस्तों सब कुछ यहाँ पे पता है, 1/2 हमने वह रख दिया, और धारा की दिशा में चाल हमने मान लिया दोस्तों x रही होगी, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल दोस्तों बता रखा है इसने कितना, 40, हमने 40 रख दिया। अब अगर देखें तो इसको आगे और सॉल्व किया जाए दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये जो दिया गया है स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल का यहाँ पे कितना बता दिया कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यहाँ पे 55 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिया दोस्तों। 55 दोना कितना हो जाएगा 110, हमने 110 रख दिया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर हो जाएगा x प्लस का 40 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 110 माइनस का 40 बराबर x, अब यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा हमारा, 70 बचेगा, यानी कि यही हमारा इस x की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे b के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 के बाद अगर 22 नंबर देखा जाए तो 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता हो तो धारा की गति क्या कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो धारा की क्या निकालनी है दोस्तों, हमको गत निकालनी है, यहाँ पे सब कुछ हमको पका पकाया दे दिया गया है। कहा गया है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर, वो भी कहाँ, धारा की दिशा में दोस्तों, धारा की दिशा बोले तो u प्लस v, और 16 किलोमीटर घंटे को कितने देरी में, 2 घंटे में, तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों ये 8, ये क्वेश्चन बन गया हमारा 1। फिर हो जाएगा हमारा u माइनस v, यहाँ पे 16 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब दोस्तों
कहा है ना, वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी। अच्छा, इस बार दोस्तों पूरी दूरी नहीं रखना है हमको, आधी दूरी रखना है, यानी कि 16 से आधी दूरी रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अब 2 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर के इक्वेशन हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करने पे देखेंगे हमको निकालना क्या, धारा की चाल यानी कि हमको V निकालना है दोस्तों। तो जब V निकालना है तो ये माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो ये U से U कैंसिल हो जाएगा, V हमारा हो जाएगा ये 2V हो गया, और इधर देखें तो 8 से 4 घटाएंगे तो 4 हो गया, तो V बराबर हमारा आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा 2 किलोमीटर/घंटा यानी कि दिया गया है दोस्तों B ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नंबर 22 का हमारा B के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 के बाद, अगर 23 नंबर देखा जाए तो 23 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है, कहा गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है, शांत जल में नाव की गति, यानी कि शांत जल में नाव की गति बोले तो दोस्तों हमको U निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, U कहा गया कि एक नाव धारा की दिशा में, दोस्तों धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों धारा की दिशा में, धारा की दिशा अगर बोले तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे यू प्लस वी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये चाल हो गई और 35 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है, बराबर हो गया 7। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कह लिया। अब फिर अगला कहा है विपरीत, तो यू माइनस वी बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे यू माइनस वी बराबर, अगला हमारा डिस्टेंस उतनी ही दी गई है, यानी कि 35 ही डिस्टेंस आएगी, लेकिन जो घंटा लगता है वो 7 घंटे लगते हैं, तो 7 × 35 ये हो गया इक्वेशन हमारा 2 हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, 23 का हमारा इक्वेशन ये 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशनों को अगर सॉल्व कर दें तो हमको निकालना था क्या, नाव की गति, यानी कि हमको निकालना है शांत जल में नाव की चाल। तो यानी कि V निकालना है शांत जल में नाव की चाल, U निकालना है दोस्तों। तो इस बार हमने क्या किया, शांत जल में नाव की गति हमने U निकालने के लिए बना दिया, ठीक है। वी वी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 2U = 12, तो U बराबर आ जाएगा 6। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 23 के बाद अगर हम अगला नंबर देखें 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर/घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर/घंटा है, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। हमको समय ज्ञात करना है कि नाव को टोटल कितना समय लगेगा। यहाँ बता दिया कि स्थिर जल में एक नाव की चाल, नाव की चाल कितनी बताई गई है दोस्तों यहाँ पे 13 किलोमीटर/घंटा, यानी कि देखें तो ये जो ये बताई गई दोस्तों ये U का मान बता दिया गया है, और फिर बता गया धारा की चाल, यानी कि ये जो बता दी गई है ये V का मान बता दिया गया है। कह रहा धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा के विपरीत, विपरीत बोले दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा U - V, यानी कि U - V बराबर क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, यानी कि ये 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में माना टी समय लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अब इनको हल कर लेते हैं। यू का मान हमको दोस्तों पता है यहाँ पे 13 और वी का मान हमको पता है दोस्तों 4, बराबर ये 68/T हो जाएगा हमारा। 13 से 4 घटाया दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ गया हमारा 68/T। दोस्तों अगर इसको हम कट करें, किससे कट कर देते हैं, अगर 9 से कट करें तो ये 9 से नहीं कट होगा, 3 से कट कर देते हैं तो 3 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 2 = 6, और ये भी हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो हमारे 3 से नहीं कटेगा तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इनको नहीं कट करेंगे, और ये जो हमारा 68 था 68 ही लिख दिया, यानी कि टी का मान हमको निकालना है, तो टी बराबर आ जाएगा हमारा 68/9 आ जाएगा। 9 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो दोस्तों 9 + 63 = 37 घंटा क्लियर आ गया, और फिर बचा दोस्तों कितना हमारा 9 + 63, और बचा कितना हमारा 63 के बाद दोस्तों देखें तो बच गया हमारा 63 × 5 = 68, यानी कि 5 बच गया, 5/9 ये हमारा बच गया, इतने मिनट क्या है दोस्तों, ये मिनट हो गया। अब अगर इसी को हम और आगे सॉल्व करें पूरा दोस्तों, तो ये 7 घंटे तो हमारा था ही था, और ये जो 5/9 है तो 5/9 में हमने क्या किया, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, घंटे में कन्वर्ट या मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 9 से अगर इसको देखें तो 3 × 9 3 × 2 = 20 आ जाएगा, तो ये 7 hours बराबर ये आ जाएगा 20 × 5 = 100
ये हो जाएगा 3 hours, यानी कि 3 का भाग जब 100 में देंगे तो समथिंग आ जाएगा 7 घंटे और 33 मिनट, ये हमारा लगभग में इतना वैल्यू आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, डी बिल्कुल राइट दिया गया है, यानी कि 24 का देखा जाए तो डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 के बाद अगर 25 नंबर देखें तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हमको शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बताया गया एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत बोले दोस्तों तो यू माइनस वी बराबर 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो ये रख दिया हमने बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 ही आ गया। तो ये हमारा जो बन गया पहला हमारा बन गया इक्वेशन 1 बन गया। फिर दूसरा कहा है 1 घंटे में तय करता और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी, धारा के दिशा में दोस्तों तो यू प्लस वी 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। दोस्तों 10 मिनट, मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं 60 का भाग दे देते हैं, तो हमने 60 का भाग दे दिया, तो ये जीरो कट गया। और आगे देखें तो ये हमारा बन जाएगा 6, ऊपर पहुँच जाएगा 6/1, तो समीकरण बन गया 2। अब हमको निकालना क्या है, यू का मान निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 में यू की वैल्यू निकाल लेंगे, वी से वी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2u बराबर आ जाएगा 8, तो यू बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 25 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 25 के बाद, अगर हम 26 नंबर देखें तो 26 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है दोस्तों, औसत चाल निकालनी है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें दोस्तों तो कुल मिलाकर के जो ये दिया गया है, सबसे पहले शांत जल में एक नाविक की चाल, तो शांत जल में नाविक की चाल दोस्तों हम यू मानते हैं, लेकिन यहाँ पे यू का वैल्यू क्या दे रखा है, x, तो हमने x मान लिया। फिर धारा की चाल को हम v मानते हैं, लेकिन यहाँ पे धारा की चाल कह रहा है y मानो, तो हमने y मान लिया। फिर कहा गया यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत अगर हम बनाएंगे तो ये x माइनस वाई बन जाएगा, ये बन गया हमारा धारा के विपरीत बन गया। दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, अब अगला कहा है धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये तो धारा के विपरीत हो गया, और फिर कहा गया है कि और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, यानी कि उतनी ही दूरी को अब धारा की दिशा में चलेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये धारा की दिशा का हो गया, धारा की दिशा में हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है दोस्तों, औसत चाल निकालनी है, यानी औसत चाल को हम बोल दें एवरेज स्पीड, ए से हो गया औसत और एस से हो गया स्पीड, यानी कि औसत स्पीड, यानी कि उसकी औसत चाल निकालना है दोस्तों। तो होता है फार्मूला 2xy/x + y, ये फार्मूला होता है दोस्तों, बस इसी फार्मूले में हमको वैल्यू पुटअप करना है। 2 रख दिया, x का एक मान दोस्तों यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई दिया गया है, और एक मान दिया गया है y का x + y दिया गया, वो रख दिया। पूरे का बटे दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई, फिर x + y, यहाँ से देखा जाए तो ये y से ये y हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये ऊपर बन जाएगा 2x² यहाँ पे माइनस का y² ब्रैकेट के अंदर, ये बटे यहाँ पे बचा हमारा 2x, तो ये x 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एवरेज स्पीड आ जाएगी दोस्तों x² - y² बटे कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कुल मिलाकर के हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26 के बाद, अगर 27 नंबर देखें तो 27 नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में तय की जाती है, अगले 8 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है, धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी है, यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। वो क्या निकालना है दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालना है।
तो अगर हम पहला टाइम निकाल लें दोस्तों, तो पहला जो है ये जो है 15 मिनट का समय लगता है रहा 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो इस 15 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो 15 चौको 60 यानी कि 1/4 घंटा हमारा हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, 1/4 घंटा हो गया। अब अगर हम दूसरा घंटा निकालें तो यहाँ पे लिख दें दोस्तों, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारा, यहाँ पे 16/2 बन जाएगा। अब जब ये 16/2 हमारा बन जाएगा दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों देखिए, तो हम शेष दूरी अगर निकालें तो यहाँ पे शेष दूरी अगर निकालें तो ये टोटल दूरी 12 थी, अब माइनस के यहाँ पे कितना कर देंगे हम, यहाँ पे 4 कर देंगे, क्योंकि ये 4 किलोमीटर 15 मिनट इधर से तय कर लिया है। तो अब बचा कितना, यहाँ पे 8 बचा, 8 हमारा किलोमीटर, और ये बचा डिस्टेंस। अब हमको यही 8 किलोमीटर को हमको इस 8 किलोमीटर की स्पीड से तय करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना लग जाएगा समय, ये 8/8 कितना हो जाएगा, कुल मिला के 1 घंटे का समय यहाँ पे लग जाएगा। तो हमको अब एवरेज स्पीड बतानी थी, तो कुल दूरी 12 है, कुल समय पहले में लग रहा है 1/4, फिर दूसरे में लग रहा है दोस्तों 1 घंटा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 12/ ये हो जाएगा 4 1 5, 5/4, 4 हमारा ऊपर हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको कट करें तो 12/48 हो जाएगा, 48/ यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 9 45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 6 का 30, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27 के बाद अगर 28 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से शहर पी की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया कि नाव की गति यानी कि नाव की जो गति है 35 किलोमीटर प्रति घंटा बता दिया गया, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बता दिया गया है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेंगे हम, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एक बार कहा गया है कि नाव धारा के विपरीत दिशा में पी से शहर क्यू तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, धारा की जब दिशा में जाएगी, हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे धारा की दिशा लिखते हैं तो दोस्तों क्या होता है, यू और वी जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 35 दिया गया है और 5 दिया गया है तो जुड़ जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर धारा के विपरीत दिशा में अगर निकालें तो यानी कि धारा के, अब यहाँ पे हम अगर विपरीत का निकालते हैं तो विपरीत का निकालेंगे तो 35 - 5 हो जाएगा, बराबर 30 हो गया दोस्तों, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये अगली बात हो गई। अब हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बात कही गई है, तो अब एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो 2 यहाँ पे एक बार 40 फिर 30/ यहाँ पे 40+30 ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 40 × 30 और यहाँ पे 2/ हो जाएगा 40 30 70, ये 0 से 0 कट कर दिया। अब अगर देखें तो ये किसी से नहीं कट होगा, तो 40 × 80 = 24 यानी कि फाइनली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यानी कि 3 × 8 = 24 24 × 48 यानी कि 480/7 हो जाएगा। तो 7 × 6 = 42 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर इसको हम कट करें फिर से देख लेते हैं, 40 × 80 = 8 3 = 24 240 बनेगा दोस्तों यहाँ पे हमारे, ये क्या था दोस्तों, ये 40 था, तो 40 × 80 80 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 8 3 = 24 कितना बना हमारा, 240, यहाँ पे हमने गलती से 480 लिख लिया दोस्तों, क्या होना चाहिए 40 × 80 8 3 = 24 यानी कि 240 होना चाहिए। अब इसका जब भाग देंगे तो 7 3 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 3 21 और बचा कितना दोस्तों हमारा 21 3 यानी 30 हो गया, फिर 7 4 28 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 7 91 7 हो गया, या फिर यहाँ पे कितना 7 4 28 दो बचा, 7 2 14 हो जाएगा, दो बार जाएगा दोस्तों, 8 बचा, और फिर 80 हो गया दोस्तों, 7 8 56 यानी कि समथिंग दोस्तों हमारा 34.56
28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखें तो 28 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे 28 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28 के बाद अगर 29 नंबर देखा जाए तो 29 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक नाव धारा के विरुद्ध में सहार एक्स से सहार वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में सहार वाई से सहार एक्स की ओर वापस आती है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति। अब दोस्तों यहाँ पे नाव की गति कितनी बता दी गई, यानी कि यू का मान बता दिया गया 40, यानी कि 40 बता दिया गया है, और यहाँ पे तथा धारा की गति यानी कि वी का मान 10 बता दिया गया है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, जब एक बार हम यू प्लस वी निकालेंगे तो हमारा यू प्लस वी कितना दिया गया, 40 और 10 जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 50। फिर जब एक बार हम यू माइनस वी निकालेंगे तो यानी कि 40 माइनस 10 यानी कि हो जाएगा 30। अब क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, हमको निकालना है उसकी पूरी औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल अगर दोस्तों निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, औसत चाल हम जानते हैं 2xy बटे x प्लस y, ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। दोस्तों 2 रख दिया x, तो x का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे x का मान हमारा दिया गया है 50, तो हमने यहाँ पे एक बार 50 रख लिया, और y का मान जो यहाँ पे दिया गया 30, तो हमने यहाँ पे 30 रख लिया। फिर दोस्तों देखें तो यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि कितना हो जाएगा, 50 प्लस का 30। अब दोस्तों क्या करेंगे, 5 × 15, 15 × 2 = 30, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 15, 15 × 2 = 30 हो गया, और यहाँ पे डबल जीरो कर देंगे, 5 × 15, 15 × 2 = 30 डबल जीरो, और ये कितना हो जाएगा हमारा 50 × 30 = 80 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, और उसके बाद अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब 8 का भाग इसमें देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। यहाँ पे 8 × 3 = 24, यानी कि 24 की यहाँ पे हो जाएगी 4, और फिर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 8 × 3 = 24, 6 बचा, और हो जाएगा 8 × 7 = 56, 4 बचा दोस्तों, और फिर 8 × 45 यानी कि 47.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यानी कि जो इसका राइट आंसर बन जाएगा 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों एक बार देखते हैं, इसका 8 × 3 = 32 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन 8 × 3 = 24 यानी कि 3 आना चाहिए इस जगह पर, दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे कितना आना चाहिए दोस्तों, 8 × 3 = 24, 3 बार ले गए ना, तो 37.5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कहा गया कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूसरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। शांत जल में यू और वी का अनुपात हमको कुल मिला के यहाँ से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों कौन सा था, यहाँ पे 30 था, तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहा है धारा के विपरीत दिशा में चल रही नाव, तो विपरीत दिशा दोस्तों बताया गया, तो इसलिए हो जाएगा यू माइनस वी बराबर कर देंगे। यहाँ पे चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, कितना लगता है दोस्तों, 8 घंटे 48 मिनट लगता है। तो मान लेते हैं कोई एक डिस्टेंस थी, अब उनको समय लगता है 8 घंटे 48 मिनट। अब दोस्तों 48 को अगर हम घंटा बनाएंगे तो 48/60 कर दें तो ये भी हमारे घंटे में काउंट होने लगेगा। तो अब अगर देखें इसको सॉल्व कर दें दोस्तों, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48 यानी कि 8 आ जाएगा, और भी हमारा 2 से और कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब इसको अगर हम हल करें दोस्तों तो ये फाइनली हमारा कितना बन जाएगा, ये तो 5 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन 8 × 4 = 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें तो ये 6 × 8 = 48 दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के 4 बना, और ये हो गया हमारा कैसे दोस्तों, इसको ये कुल मिला के इस प्रकार बना है, ध्यान से देख लीजिएगा, डी बटे 8 सही 4/5 ये बचा है हमारा नीचे हर में इतना। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं u माइनस वी बराबर, ये तो 5 हमारा हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 4 = 44, 44 ये हमारा हो जाएगा, 5 हमारा ऊपर d के साथ पहुंच जाएगा, तो 5d अपान का यहाँ पे हो जाएगा 44। तो ये तो हो गया इक्वेशन एक हो गया। अब ऐसे ही हम इक्वेशन दूसरा बनाते हैं दोस्तों,
तो दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे इक्वेशन के लिए कहा है जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने पर 4 घंटे कम समय लगते हैं। आरंभ बिंदु पर लौटने पर 4 घंटे क्या होते हैं दोस्तों, कम समय लगते हैं, ये लोग यहाँ पे ये बात कह दी गई। तो यहाँ पे धारा की दिशा में कह रहा, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे यू प्लस वी बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी अपान 4। तो अगर इसको आगे हम हल करें तो ये क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालें या यू प्लस वी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से अगर हम दोस्तों बना लेते हैं क्या, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी का मान बन जाएगा यहाँ से 4 यू प्लस का 4 वी बन जाएगा, ये तो हमारा आ गया डी का मान। अब यही डी का मान हम क्या करें, समीकरण एक में पुट कर दें। तो जब समीकरण एक में डी का वैल्यू रखने पर तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण एक में डी का मान रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब समीकरण एक में हम डी का मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यू माइनस वी बराबर यहाँ पे 5 डी। डी की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 यू और प्लस का 4 वी रखेंगे। अब बटे हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे 44, तो हमने यहाँ पे 44 रख दिया। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू माइनस वी बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 44 के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने कर दिया। अब 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 यू, फिर 5 चौक 20 वी हो जाएगा, इस ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 44 यू। तो यू इधर आएगा तो माइनस का 20 यू हो जाएगा, इधर माइनस का 44 वी, तो इधर हमारा 20 वी दिया है, ये आ जाएगा प्लस का 44 वी। अब 44 से जब 20 घटाएंगे दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 24 यू आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 40 20 60 4 64 हो जाएगा, ये 64 वी बन जाएगा बनेगा। हमको निकालना है, ध्यान से देख लीजिए, कहा गया सांद जल में नाव की चाल, नाव की चाल बोले तो पहले यू और फिर धारा की चाल, तो हम क्या बना लेते हैं यू अपान का वी बराबर यहाँ पे हमने 64/24 कर दिया। अब अगर इसको कट करें तो ये हमारा किससे कट जाएगा दोस्तों, ये हमारा 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 8 8 64, यानी कि फाइनली जो हमारा यू अनुपात वी का आया 8:3 आ गया, कितना आया दोस्तों 8:3, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 के बाद दोस्तों अगर हम अगला क्वेश्चन देखें 31 नंबर, तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, और यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों पे 31 नंबर दिया गया है, कहा गया है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत, तो दोस्तों यहाँ पे धारा के विपरीत बता दिया गया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे यू माइनस वी करेंगे और फिर आगे देखेंगे विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा के लिए समय का अनुपात 4:1 है। अच्छा यहाँ पे समय हमको बता दिया गया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक निश्चित दूरी डी रही होगी, पहला समय हमको 4 दिया था, हमने यहाँ पे 4 रख लिया। अब अगर यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालें तो ये जो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी बराबर आ जाएगा 4 और यहाँ पे यू माइनस वी आ जाएगा। इसको हमने एक क्वेश्चन क्या कह लिया, एक मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों, एक क्वेश्चन एक मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दूसरा अगर देखें तो ये जो हमारा दिया गया है यहाँ पे यू प्लस वी मानेंगे और यहाँ पे डी बाई वन हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बराबर यू प्लस वी लिख सकते हैं, डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यू प्लस वी लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया, अब क्या करें, ये समीकरण एक ये है, समीकरण दो हमारा, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब क्या किया जाए दोस्तों, यहाँ पे इनका जो अनुपात दिया गया है, अब दोनों वैल्यू को हम क्या करें, इक्वल कर दें, दोनों वैल्यू को क्या करें दोस्तों, एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो अब दोस्तों जब ये हमारा सब कुछ इक्वेशन बन गए हैं तो हम इन दोनों इक्वेशनों से क्या करेंगे, यू और वी का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या कहा, दिशा में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात, यानी धारा की दिशा और फिर नाव की चाल की दिशा का हमको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा पहला इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारा 4u और माइनस का यहाँ पे v हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो हमारा यहाँ पे 4v होगा दोस्तों, क्या होगा 4 का तो पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 है। आगे देखेंगे दोस्तों तो दूसरा हमारा दिया गया कितना, यहाँ पे यू प्लस वी दिया गया है।
अब फोर यू दोस्तों ये है, एक यू ये है, तो हमने क्या किया इनसे, क्या किया दोनों से, अगर हम ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने चार कॉमन ही ले लिया, इनको हम मल्टीप्लाई अंदर ना करते हैं, यानी कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा u प्लस वी तो दिया ही है, तो ये हमको इन्हीं का अनुपात निकाल, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के दिशा में दोस्तों पहले कहा है, तो इसलिए दोस्तों ये हम u प्लस वी को पहले लिखेंगे और u माइनस वी को बाद में लिखेंगे। और अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे इनको रखें कि इसके साथ ये आ जाए, तो इधर चार को ऊपर रख दें, इसको एक रख दें, तो इनका जो अनुपात आएगा दोस्तों, तो चार अनुपात एक के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी कि चार अनुपात एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 31 का ए के साथ ही क्या हो गया, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर इन धारा की दिशा में लिया गया समय है, और शांत जल में चाल एक्स और धारा की चाल वाई है, तो एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, तो धारा के विपरीत दिशा में जो हम समय लेंगे, मान लेते हैं डी समय होगा, धारा के विपरीत का है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो गया x माइनस वाई हो गया, इतनी बात हो गई। फिर आगे हम दोस्तों क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यहाँ पे n लगा है, n लगा देंगे और मल्टीप्लाई का सिंबल बना करके धारा के दिशा में अब इस बार ले लेंगे, तो डी अपान का यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये डी से एडी को कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस वाई और इधर हो जाएगा एन एक्स माइनस का एन वाई हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे एन वाई को इधर जब ले लेंगे तो प्लस में हमारा एन वाई हो जाएगा, प्लस के इधर ऑलरेडी हमारा ये वाई तो दिया ही है, और इधर हमारा जो ये हो जाएगा x हमारा इधर आ जाएगा, और ये जो हमारा बन जाएगा दोस्तों ये एन एक्स लिखा है हमने, एन एक्स लिख दिया, ये एन एक्स है और ये x हमारे इधर आएगा, तो माइनस में x हो जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों माइनस में x हो जाएगा, यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, तो ये जो हमारा है x प्लस का 1 बन गया, और यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 बन गया, तो यहाँ पे दोस्तों ये n माइनस 1 है, ये भी दोस्तों क्या है, ये n ही है दोस्तों, ये क्या है हमारा n है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको निकालना था इनका अनुपात बताना है दोस्तों, तो अनुपात अगर देखें तो x बटे हमने y रख दिया, y यानी कि कैसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये y y के साथ x प्लस वन लगाना है, तो ये हमने x प्लस वन ऊपर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने रख दिया x माइनस वन रख दिया, तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है, x प्लस वन बटे x माइनस वन, x प्लस वन बटे x माइनस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले दिया गया है, कहा गया है कि एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो u प्लस v हो जाएगा, और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी कोई तय कर लेती है, तो मान लीजिए डिस्टेंस d रही होगी, 4 घंटे में तय कर लेती है। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, d की वैल्यू बनाए, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4u प्लस का 4v हो जाएगा। तो अब ये तो हो गया इक्वेशन, मान लेते हैं इसको फर्स्ट। फिर आगे कहा गया है कि विपरीत दिशा की बात कही गई है, तो इस बार हम क्या कर लेंगे दोस्तों, विपरीत मान लेंगे, तो विपरीत में कितना उसको लगता है, 6 घंटे का समय लगता है, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u माइनस वी बराबर हो जाएगा d अपान का 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 6u माइनस का 6v बराबर यहाँ पे आ जाएगा d, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों समीकरण 2, हमको निकालना क्या था, शांत जल में नाव की चाल हमको बताना, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो कुल मिलाकर के हमको यहाँ पे u और v की मान निकालना है, तो यहाँ पे हम दोनों के d की वैल्यू को इक्वल में कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4u प्लस का 4v बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6u माइनस का 6v। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमारा ये जो 4v है, ये 4v इधर आएगा तो 6v प्लस में हो जाएगा, ये 6u इधर आएगा माइनस का 4u, तो यहाँ पे अगर देखें तो 6 4 10 v हो गया, और इधर हमारा आ जाएगा 2u हो रहा है। अब देखें दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकालना है, v, सबसे पहले क्या पूछा गया, धारा की चाल, तो धारा की चाल दोस्तों हमको v, और फिर शांत जल में नाव की चाल तो हमको u,
तो यू के लिए यहाँ ऊपर दो, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10, तो हमने 10 रख दिया। 2 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि V अपान U बराबर 1/5 आ जाएगा। यानी कि इनका अनुपात जो आया V और U का, इनको 1:5 का अनुपात प्राप्त हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 33 के बाद अगर 34 नंबर देखा जाए, तो 34 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, 34 नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया कि एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में, धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने की में तुलना तुलना में दुगुना समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमको जो यहाँ पे बताया गया है कि एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने के दुगुना समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों हमको ये देखना था, यहाँ पे कहा गया कि एक आदमी धारा की दिशा में नाव को चलाने, धारा की दिशा बोले तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, U प्लस वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, U प्लस वी हो गया। अब आगे देखते हैं, U प्लस वी कह रहा है, फिर इसके विपरीत विपरीत हमने U माइनस वी कर दिया। अब यहाँ से मेन बात पढ़ने वाली दोस्तों है, यहाँ पे कहा गया है नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में, धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगुना समय लगता है। यानी कि किसमें दुगुना समय लगता है दोस्तों, इसी में, यानी कि इसमें दोगुना समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों हल कर दें, तो U प्लस वी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2U माइनस का 2V। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2V को इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3V, और इधर आ जाएगा हमारा U आ जाएगा। तो हमको निकालना था क्या, सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल अगर हम देखें तो ये बन जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा U/V बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, V के साथ 3/1, यानी कि इतना बन जाएगा। बस इसी को आप, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा U और V का अनुपात आ जाएगा 3:1 दोस्तों 1 बन जाएगा। यानी कि देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, डी पे दिया गया। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 34 का डी के साथ हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 बाद, अगर हम दोस्तों 35 नंबर देखें, दिया गया कहा गया कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, नदी के धारा की दिशा में दोस्तों, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यू प्लस वी हमारा 34 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 4 घंटे 15 मिनट, और 4 घंटे 15 मिनट को अगर हम हल करें तो 15/ यहाँ पे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 1/4, 4 चौ 16, 17/4 बन जाएगा, तो 17/4, तो ये 4 हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये इतना बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको हल कर दिया जाए, 17 × 34, तो 4 × 8, यानी कि यू प्लस वी बराबर आ जाएगा 4 × 8, ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन बन गया दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे विपरीत, तो हम यू माइनस वी कर देंगे, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगली दूरी दी गई है 19 किलोमीटर, और समय बताया गया 3 घंटे 10 मिनट दोस्तों, 3 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट को बोले तो 10, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/6, 6 × 18 = 19, 19/6 हो जाएगा, यहाँ पे 19/6, यानी कि हमारा ये 6 ऊपर पहुँच जाएगा, ये 19 से 19 कट गया, तो फाइनली जो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा यू माइनस वी बराबर 6, समीकरण ये हो गया दूसरा हो गया। कौन सा हो गया समीकरण दोस्तों, दूसरा हो गया। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, तो वर्तमान में नदी प्रवाह की गति, हमको v का मान निकालना है। तो समीकरण एक हमारा था दोस्तों u प्लस वी बराबर 8 है, दूसरा समीकरण हमारा दिया है u माइनस वी बराबर यहाँ पे 6 दिया गया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तो दोस्तों अब यहाँ से क्या होगा हमारा, ये 8 से जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, तो वी बराबर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 के बाद, अगर 36 नंबर देखा जाए, तो 36 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कहा गया कि शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो ये बता दिया गया, ये यू का मान बता दिया गया, ये वी का मान बता दिया गया, 3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक निश्चित दूरी हमने d मान लिया, और इस d दूरी को उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे धारा के विपरीत चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस वाई हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे d अपान का ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर t घंटे। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, d को कॉमन कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस वाई, माइनस का x बन जाएगा प्लस का हमारा वाई बन जाएगा, बटे यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा टी है तो टी हमने वैसे रख दिया दोस्तों। अब हमारा ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये 2yd बटे हमारा कितना दिया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब दोस्तों हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए डी बराबर टी ब्रैकेट में यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बटे यहाँ पे 2y हमारा हो जाएगा नीचे। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होना चाहिए। देखें तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 36 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव 2 घंटे में धारा को विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, धारा की गति निकालनी है, तो धारा की गति हम जानते हैं दोस्तों क्या होती है, वी। हमको वी का मान निकालना है, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है हमको यहाँ से क्या निकालना है, वी का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के, ये सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया स्थिर जल में एक नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति यानी कितनी बता दिया 11 किलोमीटर, तो यू का मान हो गया 11 किलोमीटर। फिर बताया गया है यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर चलती है, धारा की विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों यू माइनस वी बराबर यहाँ पे 19 किलोमीटर चलता है, तो 19 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 19 बटे 2। और फिर यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे यू का मान हमको 11 पता है, तो हमने यहाँ पे 11 बटे 1 मान लिया, और यहाँ पे ये 19 बटे 2 हमारा इधर आ जाएगा माइनस में, और ये वी हमारा प्लस में आ जाएगा। 11 दूनी 22, 22 से 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 22 से 19 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यानी कि V बराबर जो आ गया हमारा ये 1.5 आ गया। ये V का वैल्यू है, किसका वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे V का वैल्यू है। देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 37 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये जो दिया गया ये यू का मान है, किसका मान है दोस्तों, यू का मान है। फिर कहा गया था धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो है हमारा वी का मान है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, पूरी यात्रा को तय करने में लगने वाला समय। तो अगर हम देखें तो यू प्लस वी निकालें तो दोस्तों यू प्लस वी कितना हो जाएगा, 12 से हमारा 3 जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, एक हमारा यू माइनस वी निकल करके जो आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो 135 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको हम धारा की दिशा में चलते हैं तो 15 की स्पीड से चलते हैं, फिर वापस आते हैं तो 135 किलोमीटर की दूरी को 9 की स्पीड से आते हैं, बराबर मान लेते हैं प्रारंभिक समय हमारा क्या था, टी था। यानी कि अब क्या करें, 15 और 9 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 15 और 9 में हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे दोस्तों 45 आ गया, तो 15 + 45 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 × 15 = 5 हो जाएगा, 3 × 9 1 × 10 = 0 और 3 × 3 = 4 हो जाएगा, यानी कि 405 हो गया। और फिर इधर कितना हो जाएगा, 9 × 15 = 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5 × 25 = 5 हासिल लगा 2 और 5 × 3 = 15 दोस्तों हो जाएगा 17 और 1 × 5 = 5 = 6 यानी कि 675 हो गया। अब दोस्तों आगे टी लगा है, हमने टी लगा दिया, अब इनको अगर जोड़ दें 6 × 4 = 10, 1080 हो गया, कितना हो गया दोस्तों हमारा 1080 / 45 बराबर टी। तो अब इसको अगर हल करना चाहें या इसको आप कट करना चाहें तो देखिए दोस्तों कितने से कटेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों तो ये जो हमारा कटेगा अगर हम इसको 9 से कट कर देते हैं तो 9 × 45 हो जाएगा, 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, 120 हो गया। फिर इसको 5 से कट कर देंगे
तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, फाइनली जो इसका वैल्यू आया दोस्तों 24 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो इसका ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 38 के बाद अगर 39 नंबर देखें, और आज का ये हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन भी होगा, यहाँ पे बताया गया 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल यानी कि हमको यहाँ से बता दिया गया कि यू का मान एक्स है, और धारा की चाल यानी कि वी का मान दोस्तों क्या है वाई है किलोमीटर घंटा हो, तो एक स्थान पर पहुँचने और वहाँ से वापस लौटने में लगा समय टी घंटे हो, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमको किसी एक दिशा में क्या करना है, तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो धारा की दिशा में अगर निकाल दें तो धारा की दिशा में अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, और धारा के विपरीत अगर निकालें, धारा के विपरीत अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और दोस्तों x माइनस वाई बन जाएगा। अब ये तो हमारा विपरीत विपरीत क्या ये हो गए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक निश्चित दूरी रही होगी जो कि अगर समान दिशा से चल रहा होगा तो x प्लस वाई हमारा ये हो जाएगा, अब प्लस करेंगे और दूसरे ये x माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे लगाया जाएगा दोस्तों t। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमने d को कॉमन कर लिया, d को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा यानी कि देखें तो x प्लस वाई बचेगा, प्लस का x माइनस का वाई बचेगा, और बटे हमारा ये हो जाएगा कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया गया दोस्तों t। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, तो ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर d की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा d, और इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x बराबर हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा टी लगा दिया जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया दोस्तों। अब हमको यहाँ से डी का फाइनली वैल्यू चाहिए, तो अब दोस्तों हमको डी का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हमारा जो ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जैसा था वैसे लिख लिया, और ये टी लगा दिया, और ये जो हमारा 2x है यानी कि हमको निकालना था क्या, इसमें तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो हमको d निकालना था, तो इसके बटे हम कितना कर देंगे यहाँ पे 2x कर देंगे, ठीक है। और अब देखें तो ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ये हमारा d की वैल्यू निकल आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाहर t और बटे 2x, यानी कि ये जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर b पे दिया गया है। ऐसा दोस्तों कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर b के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, आई होप दोस्तों आपको एक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा यूथ चैप्टर का बोट एंड स्ट्रीम का अंतिम पार्ट भी था दोस्तों, इसमें भी टोटल 39 ही क्वेश्चन दिए गए थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे WhatsApp और Telegram पर लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा, जितने भी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन सारे क्वेश्चनों का आपको हल सहित PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार का मैथ और इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।